YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल एक अच्छे और मिलनसार इंसान थे। वो लोगों से सुख दुख में आते जाते थे, लेकिन अब जो उनका विधायक बेटा है वो उनके जैसा नहीं है। विधानसभा में भी उनकी 20% हजारी भी नहीं है। ये बात सीएम ने आदमपुर हल्के के सीसवाल गाँव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव भजन लाल के साथ मिलकर लड़ा। उस दौरान विधानसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई ने सीएम बनाने के बारे में पूछा तो भाजपा ने कहा कि हम तो भजन लाल को सरकार आने पर सीएम बना देंगे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने उस समय कहा कि मेरे नाम की घोषणा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुलदीप अपने पिता का नाम सीएम के लिए घोषित नहीं करवाना चाहते थे। सीएम ने बताया कि अब तक 24,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। साथ ही सीएम ने डीसी को अगले 48 घंटों में लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ देने के आदेश भी दिए हैं। तो आपको बता दें, कल दौरा रहा था जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल उनकी तारीफों के पुल बांधे और साथ ही ये भी कहा जो उनके पुराने कार्यकाल में जो उनका समय रहा है वो काफी अच्छा रहा है और वो लोगों के सुख दुख में साथ भी आते थे, लेकिन जो उनका बेटा है कहीं ना कहीं वो अपने पिता के जैसा बिल्कुल भी नहीं है और वो ही चाहते थे कि उनके पिता मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन बीजेपी सरकार की हमेशा से यही कोशिश रहती थी कि भजन लाल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुछ बातचीत चली कि भाई मिलके इलेक्शन लड़ लेते हैं, बात हुई मिलके लड़ लेते हैं और उस लड़ते समय एक बात आ गई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमने कहा भाई मुख्यमंत्री तो बहुत कोई ना कोई ऐसा अनुभव आदमी और अनुभवी जिसका जनता में कोई ना कोई सुख हो उसको बनाएंगे कि ना बताओ तो सही। हमने एक प्रस्ताव रख दिया कि हमने राज चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बना देंगे। बाप का बेटा कहता है नाना मैं अपने बाप को नहीं मानता, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ तो रोका करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। ये है थाना विधायक, गैस का सिलेंडर नहीं है ऐसी बहने मैं ग्राहक खड़ा कर देता है। वही 10-12-15 है यहाँ डीसी साहब बैठे हैं ना देखते नहीं अशोक कुमार जी, यहाँ पर कल ही कोई एक अधिकारी आना चाहिए उसी पिछवाड़ गाँव में और जितने परिवार हैं इनके सबके नाम लिखे ये सब अप्लाई करें और 48 घंटे के अंदर अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर गैस का चूल्हा मिलना चाहिए। और अगर 48 घंटे में घरों में गैस का चूल्हा नहीं मिले तो तीसरे दिन आप लोग डीसी साहब के घर पहुंच जाना और इनका गैस सिलेंडर उठा लाना। ठीक है, तो 1600 रुपया सरकार की ओर से, डीकेयर कार्ड नहीं है तो बेशक 1600 रुपया उनसे ले लो, ना दे सकते हो उसका भी कहीं ना कहीं से प्रबंध करा दो, लेकिन अब 1-2% लोग ऐसे बचे हैं इन सबके घर में गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए।